कैसे खोलने का, ये नट है ये पूरा दोनों खोल के लेने का, ऊपर का ढक्कन निकालने का, इसके अंदर एक जाली होती है वो भी निकाल देने का। ठीक है, ये निकालने के बाद बैक वाले का 6 नट होते हैं वो निकालने का, आराम से निकालने का, स्क्रू ड्राइवर अच्छी तरह का लेने का, उसका थ्रेडिंग अच्छा होता है, नाजुक होता है, वो कभी कभी टिबोर हो जाता है तो वो पूरा पल्सेटर ही ख़राब हो जाता है। तो स्क्रू ड्राइवर अच्छे लेने का 4 वे का, ये देखो निकल गया पूरा, तो उसको अभी बाहर निकालते हैं, वो बाहर निकल के बाजू में रख देने का। देखो ठीक है, तो इसके बाजू में एक छोटे से वाइसर होते हैं, वाइसर छोटे छोटे वाले, ये दो, इसको गिराने मत देने का, नहीं तो निकाल के बाजू में रखने का, ये निकाल के बाजू में रखने, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, नहीं तो ये गिरने के बाद कितने भी अच्छा पल्सेटर तैयार करो वो चलता नहीं। देखो, और दूसरी साइड अभी खोलने का है, एक बाजू निकल गई है, अभी दूसरी का चावल है, निकलने के बाद सेम प्रोसीजर पहले जैसे, ये देखो निकल गया, ये दूसरा बाजू वाला लेफ्ट राइट का ध्यान रखने का, देखो छोटे वाले वाइसर निकल गए, इसके वाइट होते हैं किसके ब्लैक होते हैं, वो कभी बड़े होते हैं छोटे होते हैं, कभी निकलते हैं कभी निकलते नहीं, तो ये रखने का, पहला बड़ा वाला डायफ्रेम निकालने का, थोड़ा सा खींच के निकाल देते हैं, और बाद में छोटा वाला डायफ्रेम से, ये कभी कभी टूट जाता है, कहाँ से कैसे टूट जाता है, ये देखो बीच में से ऐसा खींच के देखने का, नहीं तो ये देखो ये बीच में छेद होता है, ये टूट गया है, तो ये बदल देने का, इसको डायफ्रेम बोलते हैं, शायद छोटी वाली ज़्यादा टूटती हैं, बड़ी वाली कम टूटती है, ये देखो कभी कभी छोटा बीच में छोटा सा छेद होता है, वो भी अच्छी तरह से देखना है। देखो दोनों साइड के डायफ्रेम निकल गई, अभी इसको जो होता है ना हाथों से जोर से खींचेंगे, वो बिंगरी जैसे होते हैं वो निकल गए, निकलने के बाद ठीक है निकलने के बाद सीधा रखो, और ये जो वाइट कलर का ये है ऊपर का पैकिंग, स्क्रू ड्राइवर का सामने वाला लेके ऐसे निकल देने का, धीरे से ये निकल गया, देखो ये तो रख दिया इधर, और इसको दबा के एक इधर एक बाजू से खींच लेने का, ये स्ट्रेट ये रख दिया, और वो जो वाइट वाली पट्टी है ना उसको इधर रख दिया, वैसे भी छोटा का छोटे का भी वैसे ही निकलने का, अच्छी तरह से उसके अंदर दो होते हैं, ये देखो एक छोटा वाला होता है और ये ऊपर से बटन वाला अच्छा वाला होता है, वैसे ध्यान रखो इसको इधर उधर गिरने मत देना, ये रोड़ा है बीच वाला, ये निकल के बाजू में रखो, और इसके बीच में वो 3 नट होते हैं, ये स्क्रू ड्राइवर से निकल, देखो ये निकल गए यहाँ से, और 2 नट बाकी है, ये देखो ये नट ऊपर से स्लिप भी हो जाता है, इसलिए स्क्रू ड्राइवर अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, नहीं तो हम जो से निकल जाते हैं और ये नट का ऊपर का जो भाग होता है ना जिसमें खाँच में स्क्रू ड्राइवर बैठता है वो कभी कभी गोल हो जाता है, तो कोई ये गोल होने के बाद ये नट कैसे भी नहीं निकलता, तो ये ख़राब हो जाता है पल्सेटर, इसलिए अच्छी तरह अच्छी का स्क्रू ड्राइवर ले लो और ये नट निकालो। अभी ये रिकॉर्ड आ जाए, हाँ बोलो क्या।